हेलो गाइस, मैं सिर्फ जोसेफ और आज हम फिर से जानेंगे पढ़ेंगे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स क्या होते हैं, और मैंने उसमें प्रेजेंट टेंस और इनडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को भी बता दिया था। अब उसके आगे हम जानेंगे कि क्या होता है, कौन से सेंटेंस होते हैं और किस तरह से हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आता है जो थर्ड सेंटेंस होता है, इंट्रो गेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब जानते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंत में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया होता है। तो देखो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर वह प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का है तो एक्टिव वॉइस का जो रूल होगा, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप होता है। यस नो टाइप से के जो सेंटेंसेस होते हैं वह हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से, इज एम आर वाज वेयर विल सेल हैज हैव डू डज मे माइट और भी अन्य हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनके साथ वह शुरू हुए होते हैं, प्रारंभ हुए होते हैं। लेकिन जो डब्ल्यू एस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं उनके बिगनिंग में किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इटीसी, तो उसको हम डब्ल्यू एच का कहते हैं। और जो सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ होता है उसको हम कहते हैं यस नो टाइप। तो देखो, अगर आपका एक्टिव वॉइस यस नो टाइप का है, यानी कि अगर आपका एक्टिव वॉइस किसी सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो पैसिव वॉइस में भी हम उसको सहायक क्रिया से ही शुरू करेंगे। जो पैसिव वॉइस बनाने की जो सहायक क्रिया के जो रूल के हिसाब से सहायक क्रिया लगी होंगी, उन सहायक क्रिया से हम पैसिव वॉइस को शुरू करेंगे। और यदि आपका एक्टिव वॉइस डब्ल्यू एच टाइप का है, यानी कि अगर वह किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस हम क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में उसी क्वेश्चन वर्ड को जो एक्टिव वॉइस में यूज किया गया है उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस को प्रारंभ करते हैं। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होगी, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, के आपके प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस की पहचान होगी। कि अगर इस रूल पे आपका एक्टिव वॉइस होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं, तो ये पूरा रूल आपको यस डब्ल्यू एच टाइप के एक्टिव वॉइस को दर्शाएगा, और यदि यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं तो ये आपका यस नो टाइप का रूल होता है। यानी कि दोनों का रूल मैंने एक ही में लिखा हुआ है। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, अगर आपका एक्टिव वॉइस जो है अगर यस नो टाइप का है, यानी कि डू डज से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस में भी हम क्या करेंगे, उस एक्टिव वॉइस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। फिर हम क्या क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब जो कि हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट जब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं लेकिन बाई के साथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर वो एक्टिव वॉइस क्या है, डब्ल्यू एच टाइप का है, यानी कि उसके प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग किया गया, तो क्या करते हैं, उसी सेम क्वेश्चन वर्ड को पैसिव वॉइस में भी नीचे कर लेते हैं, उतार लेते हैं। सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं, कि डू यू
टेक टी, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं। तो देखो ये जो एक्टिव वॉइस से वर्ब डू से स्टार्ट हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये क्या है, यस नो टाइप का है। तो अगर आपका एक्टिव वॉइस यस नो टाइप का है तो अगर एक्टिव वॉइस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस को भी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई एक लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डू डज जो था वह सब्जेक्ट के अनुसार लिखा गया है, यूज़ की प्लूरल इसलिए डू लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्ट पता कर लेंगे कि हम ऑब्जेक्ट हमका वचन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का नंबर क्या है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसमें इज एम आर से स्टार्टिंग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, टी है, और टी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इज लिखेंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हम इज लिखेंगे, ठीक है। इज के बाद से हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमने अभी पता किया था टी। फिर क्या लिखना है हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें वर्ब क्या है, टेक है, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। फिर क्या लिखना है, बाय लिखना है, बाय लिख लेंगे। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसका क्या है, यू, क्योंकि यू प्रोनाउन है और यू सिंगुलर नाउन केस भी यू होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, इसलिए यू को हम चेंज नहीं करेंगे। और लास्ट में हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि डू यू टेक टी, इज टी टेकन बाई यू, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कि वाई डू सॉरी डज लिखते हैं, वाई डज ही वाई डज ही टेल एल आई एस क्वेश्चन मार्क, वाई डज ही टेल लाइज, वह झूठ क्यों बोलता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये क्या है, डब्ल्यू एच का है, यानी कि आपका जो एक्टिव वॉइस है क्यू डब्ल्यू से शुरू हुआ है, तो इसलिए पैसिव वॉइस को भी क्यू डब्ल्यू से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसका क्वेश्चन वर्ड वाई है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस को भी क्वेश्चन वर्ड उसी से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है, यानी क्यू आई। उसके बाद हमको क्या लिखना है, चूंकि इसमें डू डज का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है तो यहाँ पे डज लिखा गया है, चूंकि हमारा पैसिव वॉइस में इज एम आर हो जाता है इसलिए हम इज एम आर लिखेंगे। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट पता करना होगा, किसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लाइज, ठीक है। लाइज एक वचन होता है और लाइज बहुवचन होता है, यानी कि हम देखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए आप जानते ही हो कि आर का प्रयोग होता है, तो आर लिख लेंगे। फिर हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें पता किया था लाइज, ठीक है। फिर क्या लिखना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, चूंकि यहाँ पर टेल है, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, तो टोल्ड हो जाएगा। फिर क्या लिखना है हमको, बाय लिखना है, बाय लिख लेंगे। फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, और मैं बताया था कि ही अगर सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया होता, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो ही बदल जाता है हिम में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, यानी कि वाई आर लाइज टोल्ड बाई हिम, ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। देखो कितना भी कह लिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप घर पे होमवर्क नहीं करते हैं, घर पे टाइम नहीं देते हैं, उसको समझते नहीं हैं जो पढ़ाया गया, उसको उसका होमवर्क नहीं करते हैं, तो समझना थोड़ा इजीली हो जाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग घर पे कम से कम 2 घंटा डेली पढ़ते रहें,
हर सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट को आप आधा आधा घंटा घर पे पढ़ें, उसके ऊपर आप होमवर्क करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है वीडियो में, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो तुरंत दिए गए नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, उसमें मैसेज करके आप पूछ सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो होमवर्क क्या है, बहुत ज़रूरी होता है अगर समझना हो अच्छी तरह से। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब एक मैं चीज़ बताऊँगा, एक इसमें होता है एक दूसरी टाइप का, यानी कि यस नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप, तो इंट्रोगेटिव होता ही है, एक और तीसरा टाइप भी होता है जो मैं नोट करके लिखवाता हूँ, नोट करके बताता हूँ आपको कि अगर एक्टिव वॉइस क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हु, डब्ल्यू एच ओ, क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट हुआ होता है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करना होता है, लेकिन ये सेंटेंसेस जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट हुए होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वर्ड हु होता है ना, वही सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है और सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, तो इसलिए इन सेंटेंसेस में जो हु से स्टार्ट हुए होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उनका पैसिव वॉइस जो होता है बनाने का जो रूल होता है ना, वो थोड़ा इन पैसिव वॉइस के रूल से डिफरेंट होता है, अलग हटके होता है। तो हम वही सीखते हैं कि यदि पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड हु से प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस में बदलने की दो विधियां होती हैं। ठीक है, कि यदि आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड हु से प्रारंभ हुआ होता है तो पैसिव वॉइस में बदलने की दो विधियां होती हैं, दो तरीके होते हैं, यानी कि दो रूल्स होते हैं। पहला जो रूल होता है, हम क्या कर सकते करते हैं, वाई, सॉरी हु जो होता है ना, हु को हम बाय होम में बदल देते हैं, यानी कि बाय होम। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद से, चूंकि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का, जब तक प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, उसमें हम सहायक क्रिया का, सहायक क्रिया इज एम आर का ही प्रयोग करते रहेंगे, यानी कि इसमें इज एम, सॉरी इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर क्या लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट में सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, केवल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा रूल होता है कि हम पैसिव वॉइस को हु से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यानी कि ये दो रूल्स होते हैं इस तरह के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के। ठीक है, तो मैं इस पर एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। जैसे कह दिया जाए हु एब्यूजेस यू, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। अगर पैसिव वॉइस में बदलना, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, हु से स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, वर्ब में यस लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने का ये दोनों रूल हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहले रूल अगर बनाते हैं तो क्या होगा, हु को हमको चेंज करना होता है बाई होम में, फिर क्या लिखना है इज एम आर किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इस ऑब्जेक्ट इसका यू है और यू क्या होता है हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यू के साथ हमको आर लिखना है, तो हम लिख लेंगे आर। फिर क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका यू है, यू लिख लेंगे। फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे अब्यूज्ड है तो अब्यूज्ड का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड, ठीक है। इसके बाद से हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये आपका पहले रूल पे बना। अगर दूसरे रूल का हम देखते हैं तो दूसरे रूल हमको क्या करना है, हु लिखना है सबसे पहले, फिर हमको क्या करना है इज एम आर लिखना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यू था तो हम यहाँ भी आर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है यू है, यू लिख लेंगे। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखो अब्यूजेज है तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड होता है, तो अब्यूज लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखना है हमको, बाई लिखना है। अब यहाँ पे हमने बाई क्यों लिखा, इसलिए लिखा, आप कहोगे कि हमने बाई यहाँ पे क्यों लिखा, सब्जेक्ट कहाँ गया, मैं पहले बता दिया हूँ कि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आप कहोगे कि अगर यहाँ पे बाई लिखे हैं तो यहाँ भी बाई क्यों नहीं लिखे हो, लिखा लिखे हैं, देखो तो यहाँ पे बाई हमने स्टार्टिंग में लिखा है और यहाँ पे बाई हमने अंत में लिखा है, तो बाई का प्रयोग हमेशा होता रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंसेस में नहीं होते हैं। तो ये आपका पैसिव बन गया कि बाई हुम आर यू अब्यूज, हु आर यू अब्यूज्ड बाई, ये दोनों का मतलब सेम हुआ। और इस तरह के एक्टिव वॉइसेस को हम क्या करेंगे, इन दोनों रूल्स पे बदल सकते हैं। और ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, हर एक टेंस का अलग अलग रूल होता है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता ना तो ई जे एम आर के साथ हम सहायक क्रिया में बीइंग का प्रयोग करते तो क्या हो जाता है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया। अब चौथा सेंटेंस आपका जो होता है, चौथा सेंटेंस इंट्रो गेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो ये भी पहचान इसकी वही होती है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्लो एस टाइप। केवल इसमें एडवर्ब नॉट का प्रयोग यानी कि नकारात्मक सूचना भी साथ साथ दी जाती है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है, देखो एक्टिव वॉइस का रूल में क्यों लिख रहा हूँ ताकि आप पहचान सको कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि किस रूल पे होता है, तो आप साथ ही साथ उस रूल को भी याद कर लो, क्योंकि अगर दो काम हो जाएंगे, एक तो रूल याद हो जाएगा, टेंस में भी काम करेगा और उस टेंस के हिसाब से आप उसको पहचान भी पाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर साथ ही साथ एक्टिव वॉइस के पहचान के लिए रूल भी लिख दे रहा हूँ कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का जिस सेंटेंस जिस रूल पे क्या होगा, आपका एक्टिव वॉइस होगा क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं सब्जेक्ट होता है इसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अब मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस का रूल लिखना था ना, हाँ एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का रूल होता है डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का रूल है। तो अगर इस रूल पे आपका पैसिव वॉइस होता है एक्टिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में बदलने का रूल क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा, केवल आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड बदलना है, यानी कि इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट नॉट का प्रयोग रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट लेकिन किसके साथ, बाई के साथ, और क्वेश्चन मार्क
रहेगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का रूल। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, डज मुकेश नॉट रीड बुक, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। तो देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। तो देखते हैं कि ये कौन सा टाइप है, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है यानी कि ये यस नो टाइप है, तो पैसिव वॉइस को भी हम क्या करेंगे, यस नो टाइप का ही बनाएंगे। यानी कि जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमको ईजेएमआर में इसको एक लिखना होगा ऑब्जेक्ट कौन सा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बुक सिमिलर है, इसलिए हमको क्या लिखना है, इज लिखना है। उसके बाद से क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट अभी हमने पता लगाया था बुक, फिर क्या लिखना है, नॉट, नॉट लिखेंगे। फिर क्या लिखना है, वर्ड की थॉट फॉर्म, इसमें क्या है, रीड है, रीड का थॉट फॉर्म भी रीड ही होता है, ठीक है। उसके बाद से बाय लिखना है और बाय के बाद से सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसमें मुकेश है, मुकेश। फिर लास्ट में उनको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया डज मुकेश नॉट रीड बुक, और पैसिव वॉइस होगा इज बुक नॉट रीड बाय मुकेश। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डू वी नॉट कॉल हिम, Why do we not call him? तो ये आपका WH type का हो गया, क्योंकि active voice इसका एक question word से start हुआ है, तो इसलिए passive voice जब इसका हम बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर active voice question word से start होता है तो passive voice में भी same question word से हम क्या कर देते हैं, start कर देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे है, sorry, why, अगर यहाँ पे why है तो हम पैसिव वॉइस को भी वॉइस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड डज है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ड ईजेएमआर का प्रयोग करना होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले इसका हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, हिम है, और हिम जब स्टार्ट में आता है यानी कि इधर आता है तो किस में चेंज हो जाता है, ही में, और ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इज लिखेंगे, और हिम को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ही। फिर हमको क्या लिखना है, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें कॉल है तो कॉल्ड हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, बाई, बाई लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखना है, इसका सब्जेक्ट क्या है, वी, और मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग किया गया है और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो वी बदल जाता है अस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका पूरा एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में बदलने का तरीका आपने जान लिया। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आप नॉवल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि साथ आपको न्यू वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।